Welcome student, welcome to our class. The topic of our today's class is social anthropology. This is in continuation of our previous lectures on the same topic. हम ये जो आज का हमारा लेक्चर है, ये जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स जो सोशल एंथ्रोपोलॉजी पे, सामाजिक मानव शास्त्र पे जो लेक्चर्स हुए हैं, उसके कंटिन्यूशन में हैं. और जिसमें हमने देखा कि सामाजिक मानव शास्त्र क्या है, सामाजिक मानव शास्त्र मनुष्य और उसके कार्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है. और हमने इसके अर्थ और परिभाषा के बारे में विस्तृत रूप से हम डिस्कस कर चुके हैं. यही नहीं, हमने इसके स्कोप, इसके क्षेत्र के बारे में भी अध्ययन किया है. और जैसा कि इसकी परिभाषा है कि मानव शास्त्र क्या है, मानव शास्त्र मनुष्य और उसके कार्य का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, जिसमें हमने ये देखा कि इसका स्कोप भी, जो इसका क्षेत्र भी वही है, मनुष्य और उसके कार्य. और उसमें हमने देखा कि हमने इसको मुख्य रूप से तीन भागों में बांट दिया था. पहला, इट इज़ अ स्टडी ऑफ मैन, मानव का अध्ययन करता है, जिसके अंतर्गत हम भौतिक शारीरिक मानव शास्त्र, मानव के उद्विकास का अध्ययन करना, मानव की विभिन्नता का अध्ययन करना, मानव जीव विज्ञान का अध्ययन करना, मानव अनुवांशिकी का अध्ययन करना. इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन वेरिएशन, स्टडी ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी एंड स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स. सेकेंड जो पॉइंट था इसका, स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी का, हमने बताया था ये मानव के कार्यों का अध्ययन करता है. द स्टडी ऑफ वर्क ऑफ मैन, दिस इज the actual subject matter of the student of sociology. मानव के कार्यों का अध्ययन वास्तव रूप में हम देखें तो यही एक जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं उसी का सब्जेक्ट मैटर, अध्ययन करने की ये वस्तु है. जिसमें हमने ये देखा कि ये क्या क्या करता है, प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी, प्रागैतिहासिक पुरातत्व, जिसमें मटेरियल कल्चर जो कि प्री हिस्टोरिक प्रागैतिहासिक समाजों या कालों की जो भौतिक संस्कृति है उसका अध्ययन करता है. भौतिक संस्कृति से मानव समाज के उद्विकास के कारणों का अध्ययन करता है. सांस्कृतिक मानव शास्त्र, जिसमें हम भाषाई व सांकेतिक संकेतों द्वारा भाषा एवं कला जैसे जो लैंग्वेज और सिंबल्स द्वारा जो है किस प्रकार संचार का माध्यम होता था, उस प्रकार की भाषा थी, अब किस प्रकार की भाषा है. विचार और कला, जिसमें हमने आदिम तर्क, धर्म, जादू, मिथक, विज्ञान, ज्ञान, कला, मौखिक साहित्य, संगीत, नृत्य, चित्र व मूर्ति बनाने की कला, इनका कंपैरिजन, इनका स्टडी पहले कैसी थी और अब कैसी है, इसका अध्ययन करते हैं. आर्थिक मानव शास्त्र में हम ये देखते हैं कि भौतिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं, और जिसमें हमने देखा कि किस प्रकार उपभोक्ता एवं निर्माता के माल का वितरण एवं निर्माण किया जाता है. सामाजिक मानव शास्त्र में जो भी विभिन्न संस्थाएं हैं विभिन्न सामाजिक जीवन के विकास का अध्ययन करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बहुत सी बार समझाया है कि कैसे सोशल इंस्टीट्यूशन, जो बेसिक इंस्टीट्यूशन हमारी मैरिज एंड फैमिली का उद्विकास इवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको हम यहाँ वापस डिटेल में नहीं समझाएंगे. दिस इज़ जस्ट टू गिव यू अ फीडबैक, जो हमारे जो प्रीवियस लेक्चर्स है उसका फीडबैक था कि आज जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम थोड़ा सा अच्छे से समझ सकें. और आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाई
We study primitive societies कि हम आदिम समाजों का अध्ययन क्यों करते हैं। अभी जो मैंने स्कोप बताया उसका स्कोप बताने का पर्पस ही मेरा यही था कि जब हमारा सब्जेक्ट मैटर या मानव शास्त्र का क्षेत्र मानव शास्त्र के अंदर क्या पढ़ा जाता है उसमें ही हमने ये देखा कि ये मनुष्य के कार्यों का अध्ययन करता है, प्री हिस्टोरिक कल्चर का अध्ययन करता है, भौतिक संस्कृति से मानव समाज के उद्विकास के कारणों का अध्ययन करता है। तो ऑटोमेटिकली ही हम ये देखते हैं कि ये प्रिमिटिव सोसाइटी या आदिम समाजों की ओर हमारा ध्यान या हमारी इच्छा जो है वो ले जाता है, क्योंकि हम जब देखेंगे कि आज की सोसाइटी जो है जिसमें हम रहते हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर पहुँची है, यहाँ तक आई है, इसके विकास का जो सफ़र रहा है, ये कैसे प्रारंभिक अवस्था से गुजर कर यहाँ पहुँचा है, इसका अध्ययन करना है, तो ऑटोमेटिकली हम प्रारंभिक का अध्ययन करेंगे, तभी हम आज तक या आज को समझने के लिए हमें अपने अतीत में क्या हुआ उसमें जाना पड़ेगा। और यही नहीं, समाज के बारे में ही नहीं, हमारे समाज की संस्कृति के बारे में, क्योंकि हमने जब मानव शास्त्र का क्षेत्र जब बताया था उसमें हमने एक चीज़ और भी बताई थी आपको कि ये नृजाति विज्ञान है जिसमें विभिन्न रेसेस जो नृजातियाँ होती हैं उनका और संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन करती है कि किस प्रकार अलग अलग नृजातियाँ के प्रवासन और पूर्व में जो संस्कृति के प्रसार किस प्रकार रहे। प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेसेस एंड कल्चर, और आज की संस्कृति वर्तमान समय में किस प्रकार नृजाति और संस्कृति का विभाजन रहा है। तो हम जब इनिशियल शुरुआत में क्या हुआ और आज वो किस अवस्था में है इसका अध्ययन करने के लिए ऑटोमेटिकली हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, या हम ये कह रहे हैं इंटरेस्ट के साथ साथ हमारी जरूरत है, वो प्रारंभिक अवस्था में प्रारंभिक काल में किस प्रकार से रही है उस पर जाता है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक बन जाता है कि हम आदिम समाजों का अध्ययन करें। हालांकि जब हम बात करते हैं मानव शास्त्र की अर्थ और परिभाषा में, और इवन जब आज के समय में जब इसका क्षेत्र बदल गया है, मीन्स बहुत वाइड एरिया हो गया है जिसमें मानव आदिम ही नहीं मानव शास्त्र में वर्तमान समाज जो है उनका भी अध्ययन किया जाता है, इसमें ग्रामीण समुदायों का भी अध्ययन किया जाता है, इसमें नगरीय समाजों का भी अध्ययन किया जाता है, और यही नहीं इसमें जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस रहे हैं वेरियस इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में उसका भी अध्ययन किया जाता है। और तो और मानव शास्त्रियों ने चिकित्सा एवं युद्ध के क्षेत्र को भी इसे अपने अध्ययन का क्षेत्र बनाया है और अध्ययन की विषय वस्तु इसे माना है। इसको हम प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसको हम यहाँ और डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि हम क्यों आदिम समाजों का ही अध्ययन करते हैं। तो पहली बात जो हमारे दिमाग में जो हमारी अभी जो अबव डिस्कशन हुआ उसमें एक ये आती है कि जब मानव शास्त्र का स्कोप, जब मानव शास्त्र का क्षेत्र ही मानव समाजों का, मनुष्य का और उसके कार्यों का अध्ययन करना है, और अध्ययन भी कैसा तुलनात्मक, जानना है संस्कृति के बारे में, वेरियस रेसेस के बारे में, वेरियस सोसाइटीज़ के बारे में, सोशल इंस्टीट्यूशंस के बारे में,
तो जब हम जानते हैं तो जानने के लिए हम इसकी प्रारंभिक अवस्था में जाते हैं, और कैसे प्रारंभिक अवस्था से आज हम पहुंचे हैं उसका यह आवश्यक हमारे लिए यह हो जाता है कि हम आदिम समाजों का अध्ययन करें। मानव शास्त्र का अध्ययन जो समय और संस्कृति तक सीमित नहीं है, जैसा कि हम बता चुके हैं आपको, तो ये पूछा जाना स्वाभाविक होता है कि मानव शास्त्र आदिम समाजों में ही क्यों रुचि लेता है। यह ऐतिहासिक संयोग दुर्घटना का परिणाम है। यह जानबूझकर भी पसंद किया जाता है। पहला, इट इज एक्सीडेंटल, और दूसरा यह है डेलिब्रेट, जानबूझकर। दुर्घटना पहला एक्सीडेंटल और दूसरा डेलिब्रेट। अब आपने देखा होगा कि संसार की खोज का युग, जो कि यूरोपीय ताकतों द्वारा, जो यूरोपियन पावर्स थी उनके द्वारा 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ, तब आपने देखा कि अमेरिका, अफ्रीका, सुदूर पूर्वी जो जगह रही हैं उनकी खोजों ने 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति की वृद्धि में योगदान दिया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था, और इन आर्थिक गतिविधियों ने उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और किस प्रकार उसने यहाँ, इट वॉज अ ट्रेडिंग कंपनी, है ना, व्यापार करने आई थी, और धीरे धीरे इन्होंने हमारे यहाँ राजनीति, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक सभी क्षेत्र को जो है इफेक्ट किया। जो आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र तक सीमित नहीं बल्कि धार्मिक क्षेत्र में भी, जब ईसाई मिशनरियों ने अपने धर्म परिवर्तन की गतिविधियों को बढ़ावा दिया, उन्होंने बिना समय गंवाए उपनिवेशवाद एवं वैश्विक व्यापार का अनुसरण ही नहीं किया बल्कि अगुवाई भी की। इन सभी व्यक्तियों की सफलता नई प्रजाति व उनके रहने के तरीकों को समझने व जानने पर निर्भर करती थी। अतः उन्होंने उन लोगों के रीति रिवाज, व्यवहार, संस्थाएं आदि को जानने का प्रयास व इच्छा किया। तो पहला जो पॉइंट हमारा आता है कि इट वॉज एक्सीडेंटल, क्योंकि क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हुआ, उपनिवेश वाद, औद्योगिक क्रांति की वजह से क्या हुआ, उपनिवेश वाद, कॉलोनियलिज्म जिसको हम कहते हैं, अलग अलग जो है जगहों की खोज की गई, और इन खोज द्वारा अलग अलग जगहों की खोज, जैसे मैंने आपको अमेरिका, अफ्रीका, सुदूर पूर्वी, उपनिवेशवाद अलग अलग यूरोपीय ताकत द्वारा अलग अलग जगहों की खोज की गई, क्योंकि क्या होता था कि जब जैसे अमेरिका, अफ्रीका, भारत, यहाँ से कच्चा माल ले जाकर यूरोपीय देशों में तैयार होता था, और वो तैयार माल वापस एज अ मार्केट इन्हीं देशों में वापस बेचा जाता था। अब ये ट्रेडिंग करने के लिए, ये जो व्यापार करने के लिए उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता होने लगी, तो हम दूसरा ये कहते हैं एक्सीडेंटल के साथ साथ क्या हुई, नीड। पहला हमने क्या किया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था विच वॉज एन एक्सीडेंटल,
है ना भाई, ऐसा युग आया जिसमें अगर हम इतिहास में जाएं तो रिलीजियस रिफॉर्मेशन हुए, रिलीजियस रिफॉर्मेशन के साथ इन्वेंशंस वगैरह हुआ, रीजनल लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ, और रिलीजियस लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट होने के कारण बहुत सारे जो है भ्रांतियाँ जो थी धर्म को लेकर वे दूर हुई। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धर्म दो अलग सेक्ट बन गए, और धीरे धीरे जो है शिफ्ट ऑफ इकोनॉमी फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री, हमारी वहाँ यूरोपीय देशों की जो अर्थव्यवस्था थी जो पीजेंट सोसाइटी से या एग्रीकल्चर से कृषक से इंडस्ट्रियल में जो है बदली, क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार हुआ और उन आविष्कार के द्वारा उत्पादन लार्ज स्केल पे होने लगा। तो जब लार्ज स्केल पे होने लगा तो उन्हें नीड हुई दो चीज़ की, पहला कच्चा माल कहाँ से लाना और दूसरा वापस तैयार माल अलग अलग जगहों पे या उन्हीं जगहों से जहाँ से कच्चा माल आया है वहाँ पर बेचा जाना। अब उसके लिए हमें, जब हम व्यापार करते हैं तो हमें उनको जानना, नीड किस दो प्रकार की, पहले उनकी चाहे पॉलिटिकल हो चाहे उनका इकोनॉमिक हो और चाहे उनका रिलीजियस हो और चाहे उनका सोशल हो। इसके साथ साथ रेसेस, प्रजाति के बारे में, वहाँ की प्रजातियाँ क्या क्या हैं उनके बारे में जानना और उनकी राजनीतिक आर्थिक धार्मिक और सामाजिक के साथ साथ कल्चरल सांस्कृतिक स्थिति क्या है उनको जानना, क्योंकि जब हम वहाँ के मनुष्य को जानेंगे, और जानने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी, जानने के लिए हमें वहाँ के प्रजातियों की राजनीतिक व्यवस्था को जानना, आर्थिक को जानना, धार्मिक को जानना, सामाजिक को जानना और सांस्कृतिक को जानना। जब हम इन चीज़ों को जानेंगे तभी हम वहाँ के लोगों को और वहाँ की जगहों को विस्तृत रूप से अच्छी तरह से जान पाएंगे और वहाँ पर व्यापार कर पाएंगे। तो पहली बार यदि हम देखें तो ये एक इम्पॉर्टेंट कारण रहा जिसकी वजह से मानव शास्त्रियों ने, या हम ये कहेंगे कि बुद्धिजीवियों ने, दार्शनिकों ने, अध्ययनकर्ताओं ने लोगों को, आदिम जो समाज रहे हैं, पूर्व में जो समाज रहे हैं, अलग अलग जो रेसेस रही हैं उनको जानना, उनकी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक चीज़ों को जानना, ये जो है प्रथम कदम उन्होंने उठाया था। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इन आदिम समाजों ने, जिसकी खोजकर्ताओं ने, यात्रियों ने, व्यापारियों ने, मिशनरियों ने की, उसे यूरोप के राजनीतिक दार्शनिक को लुभाया और आकर्षित किया, और यूरोपीय राजनीति दार्शनिकों ने इसे मानव द्वारा बनाई गई सरकारों से पूर्व राज्य की प्रकृति को जानने के उदाहरण के रूप में लिया। तो इनको जानने से पूर्व उन्होंने द नेचर ऑफ स्टेट, राज्य की प्रकृति क्या है, उसके उदाहरण के रूप में लिया। डार्विन ने अपनी पुस्तक जो कि 19th सेंचुरी में, दैट इज उसकी पुस्तक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जो कि 1859 में पब्लिश हुई डार्विन 1859 में यह प्रकाशित हुई थी। और तभी से एक तरह से हम ये कह सकते हैं दिस इज द बर्थ, यही बर्थ
ऑफ इवोल्यूशनरी स्टडी इवोल्यूशनरी स्टडीज यहीं से उद्विकास वादी अध्ययनों के जन की शुरुआत है। यहीं से क्या हुआ, उद्विकासवादी जो अध्ययन है उनके जन की ये शुरुआत रही है। 1859 में मानव शास्त्र के जन के समय के साथ साथ उद्विकासवादी अध्ययनों के रूप में भी देखा जा सकता है इसे। डार्विन के समकालीन हर्बर्ट स्पेंसर ने स्वतंत्र कार्य करते हुए इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उद्विकास ने न सिर्फ मानव के भौतिक स्वरूपों को संचालित किया है बल्कि मनुष्य के सामाजिक स्वरूपों का भी किया है। उनके 19वीं शताब्दी के मानव शास्त्रियों ने आदिम समाजों का अध्ययन इसलिए किया ताकि मानव संस्थाओं की उत्पत्ति के विषय में कोई जानकारी मिल सके। मानव संस्थान मतलब ह्यूमन इंस्टीट्यूशन, और ह्यूमन इंस्टीट्यूशन के बारे में हम पहले ही बहुत बात कर चुके हैं, यहाँ पर हम उसका अध्ययन नहीं करेंगे। 20वीं शताब्दी में उद्विकासवादी पूर्वाग्रह कमजोर हो गया और मानव शास्त्रियों ने जानबूझकर इच्छा जताई कि आदिम समाजों का अध्ययन किया जाए, और इस इच्छा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। इच्छा को दो भागों में बांट सकते हैं।